नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 29 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। शीतलहर से ठिठुर रहा है पूरा बिहार। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बह रही तेज हवाओं का असर साफ तौर पर अब बिहार में भी दिखने लगा है। बिहार अब दोतरफे हवाओं से घिर गया है, जिसके कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन राजधानी पटना, छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, डेहरी समेत कई इलाकों में ठंड का असर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई हिस्से शीतलहर की चपेट में दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने बनाई अपनी रणनीति। आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गया है। इसी क्रम में जदयू के संगठन महासचिव की अध्यक्षता में जदयू ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत आरसीपी सिंह अब जदयू को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसको लेकर वो लगातार बूथ स्तरीय समिति के सम्मेलन को संबोधित करने में लगे हुए हैं। 11 जनवरी से 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का होगा शुभारंभ। अगले साल जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी 2020 से होगी। आपको बता दें, यह आयोजन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का 31वां आयोजन है और इसका समापन ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 17 जनवरी को कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोजित हुए इस सुरक्षा सप्ताह में उन जिलों को सम्मानित भी किया जाएगा जिसमें सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया है। सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। बिहार में केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही बहाली को लेकर के रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया था, जिसके आयोजन की तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब यह परीक्षा 12 जनवरी 2020 और 20 जनवरी 2020 को दो पालियों में ली जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय चयन परिषद ने अपनी जारी किए गए नोटिस में यह भी बताया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी यह परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से 30 दिसंबर के बाद से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो, बिहार में 11,800 पदों पर सिपाहियों की बहाली को लेकर इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 353वें प्रकाश उत्सव में मथा टेकने को जुट रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित समारोह का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुट रहे हैं। कंगन घाट पर गंगा किनारे बनी टेंट सिटी चारों ओर से रोशनी से जगमगा रही है। सुबह से लेकर शाम तक तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में मथा टेकने के बाद श्रद्धालुओं का कंगन घाट की तरफ आना जाना लगा हुआ है। मघी पान के शौकीन दुबई में भी। पटना के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के पीपरा और जमुआवा में मघी पान की हो रही खेती के दीवाने बिहारवासी तो हैं ही, अब इसकी लोकप्रियता इस्लामिक देशों में भी बखूबी देखने को मिल रही है। अब इस्लामिक देशों में भी मगध की धरती पर उपज रहे इस पान को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें, मगध में उपजने वाले इस पान से दर्जनों चौरसिया परिवारों की आमदनी का स्रोत है। बालू घाटों की पुरानी बंदोबस्ती 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ी। बिहार के सभी बालू विक्रेताओं के लिए खुशखबरी। बिहार में बालू खनन बंद होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब दूर हो गई है। बिहार सरकार ने बालू घाटों के पुराने बंदोबस्ती के आधार पर ही 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान लीज में 50% की बढ़ोतरी के साथ इस अवधि में विस्तार किया गया। ज्ञात हो, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में फहराया गया झंडा। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के 135वें साल कल यानी कि 28 दिसंबर को पूरे हो गए हैं, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पार्टी का झंडा फहराया। ज्ञात हो, कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बिहार के इस युवा कलाकार की फिल्म हुई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। ऑस्कर को सिनेमा जगत का सबसे श्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है और अब इसी अवार्ड के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि बिहार के एक युवा फिल्मकार मनीष वात्सल्य की फिल्म द स्कॉटलैंड को डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें, मनीष की इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ ही मनीष बिहार के पहले फिल्मकार बन गए हैं जिनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अपनी यात्रा में कुशवाहा एनआरसी और सीएए का कर रहे हैं पुरजोर विरोध। एकला चलो का नारा लिए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने समझो समझाओ देश बचाओ नामक यात्रा का आह्वान किया है, जिसके तहत कल यानी कि 28 दिसंबर को अपनी यात्रा के दूसरे चरण में उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए यह कहा है कि देश और बिहार आज पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर सरकार ने देश में और ज्यादा परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के दूसरे चरण की इस यात्रा की शुरुआत सहरसा जिले से हुई थी, जो कि मधेपुरा, बिहारीगंज और पूर्णिया तक पहुंची।
पटना के सभी स्कूल 2 जनवरी तक रहेंगे बंद। सभी स्कूली छात्रों के लिए अहम सूचना। लगातार ठंड का असर बढ़ता देखकर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके तहत अब पटना के सभी स्कूल 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि का कहना है कि ठंड के बढ़ने से इसका सीधा असर छात्रों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह आदेश जारी किया है। अरुण जेटली की प्रतिमा का हुआ अनावरण। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के वादे के अनुसार उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क संख्या 31 में कर दिया गया है। ज्ञात हो अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से किया है। अरुण जेटली की प्रतिमा के अनावरण के समय में उनके परिवार के साथ साथ जदयू के कई नेता भी शामिल रहे। सुशील मोदी ने लालू यादव पर कसा तंज। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को आड़े हाथों लिया है। एनआरसी और कैब के बाद अब एनपीआर के मुद्दे पर उन्होंने लालू यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार को लागू करने की केंद्र सरकार की पहल पर लालू यादव लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी चंपारण में पटना का रहा बोलबाला। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन अब हो चुका है। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पटना से गए कलाकारों का बोलबाला देखने लायक रहा। चाहे बात चित्रकला की हो या फिर सुगम गायन की, हर प्रतियोगिता में पटना के कलाकारों का नाम रहा ही रहा। जगदानंद सिंह ने जदयू को लिया आड़े हाथ। राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने सत्तासीन जदयू को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जदयू पार्टी अमीरों की झोली भरने का काम कर रही है, जबकि राजद हमेशा से गरीबों के हित के लिए ही काम करती आई है। जगदानंद सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि गंदे लोग गंदी बात ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी रास्ते पर है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से गठबंधन का साथ नहीं देकर भाजपा से हाथ मिला लिया है। रणजी ट्रॉफी में गोवा और बिहार के बीच ड्रॉ हुआ मैच। गोवा के खिलाफ पटना के मोइनुलक स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच में रोमांचक मोड़ तब आ गया जब बिहार के खिलाड़ियों ने गोवा के खिलाफ खेल रहे मैच को ड्रॉ करा दिया, जिसके पश्चात इस मैच में पहली पारी में बढ़त के आधार पर गोवा को 3 और बिहार को 1 अंक दिया गया। इसके साथ ही गोवा के सुयश प्रभु को मैन ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया। आज हेमंत सोरेन लेंगे शपथ, इन नेताओं को भेजा गया है आमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद आज आधिकारिक तौर पर हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस और राजद के वरिष्ठ नेतागण तो शामिल होंगे ही, बाकी नेताओं को भी इस समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, मायावती, अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। राजद परिवार के अंतर्गत चल रहा मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही रहा है। गुरुवार रात को राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या राय का सारा सामान वापस भेज दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से राजद का पारिवारिक मुद्दा मीडिया के सामने आ गया। हालांकि चंद्रिका राय ने सामान लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। दोनों परिवारों के बीच जारी बयानबाजी के बाद अब मीसा भारती इसकी कमान संभालने मैदान में उतरी है। परिवार में चल रहे मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि चंद्रिका राय की राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं। एनपीआर मुद्दे पर लालू और राबड़ी ने किया एनडीए सरकार का घेराव। एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद अब लालू यादव ने एनडीए को एनपीआर के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी सरकार पर तंज कसती नजर आ रही हैं। एनपीआर मुद्दे पर और खासकर की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लालू यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एनआरसी और 2021 की भारतीय जनगणना पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, ऐसे में जातिगत जनगणना का कॉलम का भी जुड़ाव करने से केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जल जीवन हरियाली यात्रा के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24,500 करोड़ की राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। बीसीसीआई ने जारी किया भारतीय टीम के वर्ष 2020 का पूरा कार्यक्रम। बीसीसीआई ने अगले वर्ष यानी 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम कितने सीरीज एवं टूर्नामेंट खेलेगी, इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत को अगले साल 2 टूर्नामेंट और 12 सीरीज खेलने हैं। 2 टूर्नामेंट में 1 सितंबर माह में एशिया कप और अक्टूबर नवंबर में 1 ICC T20 वर्ल्ड कप है, जबकि द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत भारत 5 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ करेगा। फिर जनवरी में ही ऑस्ट्रेलिया, जनवरी से मार्च तक न्यूजीलैंड, मार्च में ही दक्षिण अफ्रीका, जून जुलाई में श्रीलंका, सितंबर अक्टूबर में इंग्लैंड, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया और फिर 2020 का अंत भारत ऑस्ट्रेलिया से 4 मैचों का टेस्ट सीरीज खेलकर करेगी। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार,
समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने मिलेगा। ओवैसी के साथ मंच साझा करने के बयान से पलटे मांझी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने हाल ही में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ NRC और CAA का विरोध करने के लिए एक मंच साझा करने का ऐलान किया था, मगर अब मांझी अपने उसी बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। अपने ही द्वारा दिए गए बयान से यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो ओवैसी के साथ एक ही मंच साझा नहीं करेंगे, बल्कि अब वो 29 दिसंबर यानी कि आज हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में आइए जानते हैं सराफा बाजार कितना ठंडा या गर्म है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,794 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,674 रुपए था, यानी कि सोने का भाव पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,000 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.41 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 72.13 रुपए प्रति लीटर था। अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म ने पहले ही दिन की बम्पर ओपनिंग। मल्टी स्टारर फिल्म गुड न्यूज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अक्षय कुमार और करीना कपूर की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डेट पर ही शानदार कमाई की है। फिल्म ने पहले ही दिन 18 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि किसी भी फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन के हिसाब से काफी सही है। अक्षय कुमार की यह फिल्म सलमान खान की फिल्म को बढ़िया कॉम्पिटिशन दे रही है। आपको बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर के अलावा इस फिल्म में कियारा आडवाणी और दलजीत दोसांझ भी है। हरदीप पुरी के सवाल का प्रशांत किशोर ने दिया बड़े ही अनोखे अंदाज में जवाब। वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज कसा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौन है प्रशांत किशोर, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं जानता। उनके इसी सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा है कि हरदीप पुरी एक बड़े नेता है, वो मेरे जैसे सामान्य आदमी को कैसे जानेंगे। दिल्ली में मेरे जैसे लाखों यूपी बिहार के लोग मेहनत और संघर्ष करते हैं, पुरी जी जैसा वरिष्ठ नेता कैसे इतने लोगों को जानेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुभव के अनुसार आपने इससे पहले बिहार में इतना ठंड कब महसूस किया था। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।